नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मार्केट्स में बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है। यूएस मार्केट्स हैव फॉलन सिग्निफिकेंटली। इंडिया में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 30-40% गिर चुके हैं। तो आपको क्या करना है ऐसे मार्केट में, आपको अपने पोर्टफोलियो को कैसे पोजिशन करना है, आज मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। बिफोर वी स्टार्ट, वाई डोंट यू कॉमेंट एंड टेल मी कि आपके पोर्टफोलियो में कितना करेक्शन आया है। अगर आप यूएस में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपके स्टॉक्स में कितना करेक्शन आया है और आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो कितनी डाउन है, कमेंट करके बताएं मुझे। लेट्स बिगिन। मैं आपको बेसिकली एवरीथिंग फंडामेंटल से बताऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एन इमीडिएट सॉल्यूशन, ओके? आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सो दैट यू कैन यू नो बी हैव अ यू नो वेरी नाइस स्लीप इन द नेक्स्ट बेयर मार्केट, राइट? तो व्हाट शुड यू डू इन सच केसेस, राइट? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स, यू हैव टू फॉलो अ फाइनेंशियल प्लानिंग अप्रोच व्हेनेवर इट कम्स टू इक्विटी इन्वेस्टिंग, राइट? वेर इन यू नो यू डोंट इन्वेस्ट इन इक्विटी अनलेस यू डोंट नीड द मनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, राइट? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? सो बेसिकली उसमें क्या करना है, यू हैव टू फिगर आउट कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वॉट वॉज द पर्पज बिहाइंड दोज इन्वेस्टमेंट्स, राइट? अनलेस यू नो द पर्पज बिहाइंड एनी इन्वेस्टमेंट, इट इज़ यूजलेस टू यू नो पुट दैट मनी टू वर्क, राइट? सो फर्स्ट फिगर आउट हाउ, वाई हैव यू इन्वेस्टेड इन ऑल द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव डन। सो आपको क्या करना है, अभी तो पहले आप अपने पोर्टफोलियो को निकालें और असेस करें कि आपने ये जो पैसा इन्वेस्ट किया था कहाँ कहाँ पे किया था और किस पर्पज़ के वजह से किया था, सो दैट इट विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे थे इन द पास्ट, राइट? वंस यू हैव फिगर दैट आउट, नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड वेदर यू शुड टेक एनी एक्शन इन योर पोर्टफोलियो और नॉट। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बहुत सारे स्टॉक्स, आपने डायरेक्टली स्टॉक पिकिंग किया है और आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया ही नहीं है, राइट? सो इफ यू हैव डन दैट, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वॉट काइंड ऑफ रिजल्ट्स आर दीज गोइंग टू स्टॉक्स गिव यू ओवर द लॉन्ग टर्म। डू यू बिलीव यू नो इफ यू विल दीज स्टॉक्स रिकवर और नॉट, बिकॉज एनी स्टॉक दैट फॉल्स बाय 33% हैज़ टू गो अप बाय 50% टू यू नो फॉर यू टू रिकवर योर लॉसेज, राइट? सो यू हैव टू फिगर आउट कि पहले जो आपकी पोर्टफोलियो हाइजीन है वो सही है कि नहीं है, राइट? और वो सबसे पहले आपको तो पहले चेक करना है कि आपने इमरजेंसी फंड बनाया है या नहीं बनाया है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस लिया है या नहीं लिया है, राइट? तो ये सब चीज़ें आप पहले फिगर आउट करें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करें, राइट? सो वंस यू फिगर दिस आउट, नाउ ना अभी आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक और चीज़ समझनी है कि आप खुद एक डायरेक्ट स्टॉक पिकर है कि नहीं है। बिकॉज इसमें क्या होता है ना, डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग में इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम योर एंड, राइट? यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 4-5 hours एवरी डे फॉर अ लॉन्ग टाइम रीडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ एंड देन यू नो टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में चल क्या रहा है, आपके स्टॉक में चल क्या रहा है, राइट? अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो स्टॉक पिकिंग इज नॉट फॉर यू। मैंने एक और वीडियो किया था वेर आई स्पोक एक्सटेंसिवली अबाउट इट, आई एम एडिंग द लिंक टू दैट, यू शुड वॉच इट, राइट? सो इफ यू हैव फिगर्ड आउट कि स्टॉक पिकिंग इज नॉट फॉर यू, देन फर्स्ट स्टेप फॉर यू इज टू यू नो स्टार्ट एग्जिटिंग दीज स्टॉक्स। अगर लॉस बुक करना पड़े तो डोंट वरी अबाउट इट, बुक दीज लॉसेज एंड मूव ऑन, राइट? मूविंग ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू गेट स्टक यू नो विथ योर पास्ट डिसीजंस, देन दिस विल यू नो इम्पैक्ट योर फ्यूचर एज वेल। तो मूविंग ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो स्टार्ट एग्जिटिंग दीज स्टॉक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग का अप्रोच लेना है, राइट? तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अप्रोच में फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, राइट? सो यू नो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज गोल्स। आफ्टर दैट आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को इन गोल्स से मैप करना है। सो ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ शॉर्ट टर्म गोल्स, राइट? अगर आपने जैसे इक्विटी में इन्वेस्ट किया हो विद देन थॉट कि मैं 2 साल में कार खरीदूंगा या 3 साल में घर खरीदूंगा, एंड नाउ दैट ड्रीम यू नो मे नॉट बी अचीवेबल, बिकॉज आपने अगर 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था विद एन आइडिया ऑफ यू नो डबलिंग इट इन 2 years, नाउ दैट 2 lakhs वुड बी अराउंड 1,50,000 और 1 lakh, इट कुड बी एनीथिंग, राइट? तो इन्वेस्टिंग इन इक्विटी वॉज इट अ गुड आइडिया टू फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, राइट? ऑब्वियसली नॉट, राइट? तो इसीलिए आपको क्या करना था, यू शुड हैव इन्वेस्टेड इन शॉर्टर टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। इट कुड हैव बीन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, इट कुड हैव बीन अ इक्विटी सेविंग्स फंड, लिक्विड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, वहाँ पे ड्रॉडाउन आपको नहीं मिलता, राइट? सो इसीलिए यू शुड फर्स्ट यू नो फिगर आउट कि आपके गोल्स क्या है और आपके गोल्स के हिसाब से आपको मैप करना है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, आप शॉर्ट टर्म गोल्स आइडेंटिफाई कर ले अपने, एनीथिंग लेस देन 5 years इज शॉर्ट टर्म गोल, एंड देन मैरी योर शॉर्ट टर्म गोल्स विथ योर इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म गोल्स में के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ही पैसा जाना चाहिए, इक्विटी में नहीं जाना चाहिए। तो डोंट इन्वेस्ट इन इक्विटी इफ यू हैव यू नो मनी पार्क फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, राइट? दिस इज अ थंब रूल, क्लियर रूल, एंड देर आर यू नो नो एक्सेप्शंस टू दिस रूल, राइट? ओके, अभी लॉन्ग टर्म गोल्स है गेटिंग योर किड्स मैरिड और योर रिटायरमेंट, राइट? इसके लिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या समझना है कि इक्विटी एज अ मार्केट में एवरी ईयर यू विल सी अ 10% ड्रॉडाउन, एवरी 3-5 years यू विल सी 10-30% ड्रॉडाउन, एंड एवरी 5-7 years यू विल सी मोर देन 30% ड्रॉडाउन, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू नो
फर्स्ट बी पेशेंट एंड यू नो ट्राई टू गेट थ्रू दीज डॉटन्स एज वेल, बिकॉज दिस विल बी अ पार्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी. सो ऑल यू हैव टू डू इज फोकस, पुट योर हेड डाउन, वर्क एंड कंटिन्यू विद योर SIPs, राइट. अगर आपका फाइनेंशियल यू नो रिटायरमेंट फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल 5 crore का है और आपने 10 lakh rupees ही रीच किया है, तो अगर वो 10 lakhs 5 lakhs पे भी आ जाता है तो डजेंट रियली मैटर टू यू, बिकॉज इट विल गो बैक अप टू 10 lakhs अगेन, राइट. बट ऑल यू नीड टू डू इज मेक श्योर दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन द राइट फंड्स इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स rather than picking stocks for yourself, right? So this is very important when it comes to long-term investing. Then once you have set your goal, then you start, you know, thinking about ki main kitna zyada paisa dal sakta hu apni income se, apni income kaise bada sakta hu. Agar aap income badhayenge to aapki input badhegi, aur input badhegi to your corpus will grow, right? Ultimately markets are going to give you 12 to 15% returns over the longer term, depending on how the economy grows and how the inflation pans out. But over and you know, more or less, it is more about your discipline rather than market giving you returns, right? Agar aap disciplined rahenge, aap invest karte rahenge aur aap paisa nikalenge nahi, you know, in times of panic, then you will definitely make decent amount of money, friends, and there is no second thoughts to it, right? So I hope you know you get an idea. So abhi aapko is market mein kya karna hai, is market mein yahi karna hai ki aapko apne portfolio ka review karna hai. You have to understand ki aapki portfolio kahan hai. Agar aapko nahi samajh mein aa raha hai and you are stuck, then definitely contact a financial advisor, ask him, he will help, you know, it may charge. It better to pay money to an advisor rather than paying money to the markets, right? So do that, friends. Or agar koi questions hai, to please, you know, comment and ask. I hope this video was useful. Do not forget to like and subscribe.